गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने का दिन। यस, बहुत ही खर्चे वाला टॉपिक है बट बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंटिमेंटल टॉपिक भी है। सो वॉच टिल द एंड बिकॉज़ वी हैव सो मच इन स्टोर फॉर यू टुडे। दिस टॉपिक वी आर ओनली डूइंग बिकॉज़ इन द लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने लास्ट वाला शॉट दिया था आफ्टर युवान्स वैक्सीनेशन, वी वर इन हिज नर्सरी एंड बहुत लोगों ने हमें पूछा कि ये कौन सी रूम है, द डेकोर इज रियली नाइस, तो हमें और बताओ और एक्सप्लेन करो और दिखाओ। सो हियर वी आर विद अ टूर ऑफ द नर्सरी जो कि युवान का पर्सनल रूम है। यस, तो ये है एक आइकिया की चेस्ट जो आती है टुकड़ों में। तो हमने जोड़ के आई थिंक अराउंड 4 hours लगे थे एंड क्योंकि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी और को ज्यादा हेल्प नहीं कर पाई थी, तो आई थिंक आपने 4 घंटे में खड़ा कर दिया था। सो हमने ये चेस्ट इसलिए सिलेक्ट करी क्योंकि इसमें एज यू कैन सी देयर सो मच स्टोरेज, हर चीज, युवान के कपड़े, युवान के ब्लैंकेट, उसके टॉवल्स, उसके आगे वाले महीने के कपड़े जो हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं फ्रेंड्स से, तो वो सब कुछ इसके अंदर समा चुका है। एंड इसका टॉप हमने रिपर्पज किया है कि हम उसको एक चेंजिंग स्टेशन बना दिया है। सो एज यू कैन सी एक चेंजिंग पैड है जिसपे युवान जी बैठे हुए हैं, विराजमान है। और हमने यहाँ पर एक अपनी डायपर कैडी रखी हुई है तो उसके अंदर क्विक एक्सेस के लिए सब कुछ है, उसका सारा सामान, साथ में सैनिटाइजर है एंड वेट वाइप्स हैं, टिश्यूज हैं, सम ईयरबड्स एंड ऑल। तो इट्स अ नाइस लिटिल कॉर्नर दैट वी हैव सेट अप, तो इसमें युवान भी खुश रहता है आके यहाँ पर फटाफट डायपर चेंज करके, फिर हम लोग ये मंचकिन का डायपर पेल है उसके अंदर ही अपना डायपर को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। एंड अगर कोई कपड़े चेंज करने हो तो बिल्कुल साथ में ही हमारा है ये लॉन्ड्री बैग जिसमें हम अपने यूज कपड़े डाल देते हैं फॉर वॉशिंग। सो चेस्ट हो गया है बट देन द नेक्स्ट बिग फर्नीचर दैट वी हैव इन दिस रूम इज दिस क्रिब। At times when we both have to be away from Yuvan but also have to keep a watch on him is when we put him in this crib. अभी देख रहे हो ये crib इतना बड़ा है कि जिस दिन Yuvan को पहली बार यहाँ पे लेटाया था हमने, we actually thought that there can be 10 more Yuvans over here. कोई मौका नहीं छोड़ता और को। या फिर one more. But the thing is ki this is pretty big for him, so I think this is a good buy and we bought it from IKEA. We bought it from IKEA aur ye na convert ho jata hai, so basically when Yuvan grows up into a toddler so we can actually convert this crib into a bed. So Costco se iska mattress and then mattress cover and then some of the crib fit sheets, ye sara sab kuch hum logon ne Costco se mangwaya tha and it was a really good value for money as well. आपको म्यूजिक सुनाई दे रही है तो ये म्यूजिक चलता रहता है, थोड़ा सा सूदिंग कामिंग इफेक्ट होता है एंड ये मूव करता है तो दिस एक्चुअली ड्रॉज युवान्स अटेंशन और उससे वो एंगेज रहता है। द नेस्ट कैम एक कोने में हम लोगों ने लगा के रखा है इसको। हमारे घर में गूगल होम के डिवाइसेस काफी सारे हैं तो कोई भी स्क्रीन में हम लोग वी कैन पुल अप द व्यू फ्रॉम दिस नर्सरी एंड वी कैन कीप अ वॉच ऑन युवान। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो ब्रेवरी एंड द स्ट्रेंथ एंड द लव that you want to see in your child. वैसे तो मैं बहुत बड़ा procrastinator हूँ but इसके मामले में मैं बहुत ज्यादा फास्ट काम किया था, जिस दिन लेके आए थे उसी दिन मैंने लगा लिया था। Little Yuvan's footprints that we took the first day he was born. And of course we have his first picture on IKEA shelves. क्या वॉश कर ले सर? What is this? We want... ये इसने पार्ट किया तुमने? मैंने कोई पार्ट नहीं किया यार, इतनी गंदी ऐसे घूम गया बेबी। और ये है मेरा और युवान का फेवरेट कॉर्नर विच इज द रॉकिंग चेयर।
यहाँ पे हुमान को बहुत बारी मैंने सुलाया है, बहुत काम डाउन किया है, बहुत बारी फीडिंग करी है उसकी, बहुत सारी स्टोरी सुनाई है उसको. तो ये वाले कॉर्नर पे हमने काफी टाइम स्पेंड किया है मम्मा एंड बेटे ने. तो ये वाली चेयर भी हमने होम सेंस से ली थी. ये फुटरेस्ट है जो आइकिया का है एंड इस पर भी बहुत स्टोरेज स्पेस है. प्लस ये एक साइड टेबल है जिसके ऊपर मैं अपनी फीडिंग बॉटल्स वगैरह रख सकती हूँ. तो ये इजी एक्सेस के लिए राइट नेक्स्ट टू द चेयर है. रॉकिंग चेयर से व्यू एक्चुअली बहुत ऑसम है. ये दीपाश्री की अगेन आइडिया है कि वी हैव टू हैव अ मिल्की वाइट रग. दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल रग. दिस वन केम फॉर $360 एंड दिस इज फ्रॉम होम डिपो. हम लोग की इस रूम में विंडो काफी बड़ी है टू लेट अ लॉट ऑफ नेचुरल लाइट इन, बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स व्हाई वी नीड अ ब्लैकआउट कर्टन ओवर हियर. दिस केम फॉर अराउंड $40 और बट देन सेल भी चल रहा था तो, बट आई थॉट इट वॉज गुड फॉर द प्राइस दैट वी पेड. Air humidifiers are must, especially because of the Canadian winters. So guys, this was our nursery tour and I hope ki aap logo ko pasand aaya hoga and aapko bhi kuch ideas mile honge how to decorate your nursery in your home. So humne bahut hi sentiments ke sath ye room decorate kiya hai and ek ek cheez hand pick kari hai, matlab click pick kari hai. So, comments में हमें प्लीज बताओ कि आपको कैसा लगा. हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करो एंड प्लीज कीप लविंग अस, कीप लविंग योर वीडियोस और आपके कमेंट्स देख के हमें बहुत ही अमेजिंग लगता है. वी वेट फॉर योर कमेंट्स एंड वी वेट टू सी हाउ मच व्हाट थॉट्स यू हैव अबाउट आवर वीडियोस. एंड अगर आपको हमारे वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड शेयर द वर्ड, स्प्रेड द लव एंड टेक केयर. तब तक बाय.